हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड, ठंडी बहुत बढ़ गई है और ठंडी में सबको एक कप चाय की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए चाय की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके घर में पड़े सामान से बनेगा और आपको गर्माहट भी देगा ठंडी में। तो फ्रेंड, हम एक गैस पे एक पतीला रख लिए हैं और उसमें हम डाल दिए हैं एक छोटे ग्लास का दूध, क्योंकि हमें एक कप चाय बनाना है और मेरा दूध अच्छे से बॉईल हो गया है। और उसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच अजवाइन, क्योंकि सर्दी में अजवाइन गर्म रखता है। और 3 से 4 मरीच का पाउडर डालेंगे पीस करके। 3 इसमें डालेंगे लौंग और 2 इलायची को कूट कर डालेंगे। चाय को अच्छे से चला देंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा अदरक का और 1 चम्मच इसमें हम चाय पत्ती डाल लेंगे, क्योंकि सर्दी में कड़क चाय ही अच्छा लगता है। और चाय को हम चला देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से चाय में मिक्स हो जाए। और 1 बड़े चम्मच हम डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कि आपको कितना मीठा चाहिए। और इसको हम कम आंच पे अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो देखिए, मेरा चाय बॉईल हो गया है और अब हम गैस को कर देंगे धीमा, ताकि 2 मिनट के लिए मेरा चाय धीमे आंच पे पक जाए। और गैस को हम अब कर दिए हैं बंद। तो फ्रेंड, चाय की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और सर्दी में आप रोज़ इस तरीके का चाय बनाकर पीजिए, जिससे कि आप सर्दी से भी बचे रहेंगे। और रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को